हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और देखिए हमारी साक्षी आप लोगों से हेलो कर रही हैं। तो बस ये है हमारी बड़ी भाभी। तो आज है कसदेनी अमावस्या बोलते हैं वो। तो बस पितरों को, पुरखों को जल चढ़ाया जाता है, उनको पानी देते हैं, बोई वाली अमावस्या। तो बस पीपल पे ही रहते हैं, सारे देवता पीपल के ही नीचे रहते हैं। तो बस वो पीपल पे ही जल चढ़ा रही थी और बस हम लोग भी आए हुए हैं उनके साथ में। तो अभी हम मायके में ही हैं, गांव में। तो बस ज़्यादा हमने शूट नहीं किया, थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया, अभी हमने थोड़ा सा ही शूट किया क्योंकि गांव में बहुत तेज़ धूप है, गर्मी भी काफ़ी है। तो कुछ मन नहीं हुआ बनाने का, कहाँ जाएँ बनाने, धूप इतनी तेज़ है और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। तो बस हम थोड़ी आज ये थी तो इनका ही बस थोड़ा यही शूट किया हमने। और बस इनको इनने जल चढ़ा दिया और कल आया लपेट रही थी। तो बस ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है। तो हमने तो जब से देखा है, जब ऐसा ही देख रहे हैं, बहुत काफ़ी पुराना है। और थोड़ी बस खेतों पर है ये, गांव से थोड़ी दूर चल के। तो बस सब ज़्यादातर यहाँ ही आते हैं क्योंकि यहाँ देवंत भी हैं, चबूतरे भी देवताओं के बने हुए हैं। और बस घर पे आ गए थे हम। तो ये है मिट्टी का घड़ा, तो इसी से जल चढ़ाते हैं। तो बस यहाँ बस ये देवताओं का होम वगैरह निकाल रही थी। और बस शाम हो गई थी तो बस हम लोग निकल आए थे ग्वालियर के लिए। तो ज़्यादा हमने शूट नहीं किया रात आने का क्योंकि रात हो गई थी, लाइट वहाँ की प्रॉब्लम रहती है, लाइट रहती नहीं है। तो बस इसीलिए तो हमने ज़्यादा आने का शूट नहीं किया। और बस वीडियो को एंड करते हैं यहीं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में ग्वालियर पहुँच के। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।